नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल सर एक बार फिर आपके सामने आया हूँ मेरा नया वीडियो लेकर एमपी बोर्ड क्लास 8 स्पेशल इंग्लिश सॉल्यूशन चैप्टर 1 डोंट क्विट लेकर के शुरू कर लेते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए पिछली वीडियो में हमने पोएम को समझा डोंट क्विट, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी थी। और एक्सरसाइजेस में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज मैच द फॉलोइंग मैचिंग कर ली थी, रीअरेंज द जम्पलेट लेटर्स ये कंप्लीट कर लिया था, और क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था व्हेन द रोड यू आर ट्रेजिंग सीम्स ऑल अपहिल व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजिंग हियर। क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन शुड वी टेक रेस्ट, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। When do we learn that our life is strange? इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया था। Question 4, what should we do when our pace seems slow? इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया था। Question number 5, देखिए how can we get success? इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। Question number 6, what should we do when things seem worst? इस आज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है दैट नियरली सिचुएटेड गोल पास में स्थित लक्ष्य में अपीयर फार दूर दिखाई दे सकता है, क्या ऐसा संभव है? संभव है, यस संभव है। इफ यस, और यदि हमारा आंसर यस में है, देन व्हेन एंड व्हाई, तो फिर कब और क्यों ऐसा दिखाई देता है कि सेकेंड क्वेश्चन एक ही साथ दो क्वेश्चन जो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर इसी है, सेवेंथ वाले में दो क्वेश्चन किए हैं, देखिए दो क्वेश्चन मार लिख रहे हैं, ये दो क्वेश्चन मार्क पहला और दो क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन कर रहे हैं, दो क्वेश्चन इज इट पॉसिबल दैट नियरली सिचुएटेड अ गोल मे अपीयर फार, क्या ऐसा संभव है? Is it possible? Answer, yes, it is possible. If yes, then when and why? अगर हाँ तो कब और क्यों? तो when? उसने पूछा है when? तो answer आएगा yes, it is possible. When we are confused and full of doubts. यह तभी संभव है जब हम confused हो, full of doubts, यानी हमें संदेह हो, शंका हो, समझ में नहीं आ रहा, तभी पास में रखी चीज़ भी हमें दिखाई नहीं देती। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, विच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? पोएम की यानी डोंट क्विट जो पोएम हमने पढ़ी थी उसकी कौन सी लाइन आपको पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? तो देखिए मुझे जो लाइन पसंद है मैं वो लिख लेता हूँ, और आप भी इसी को ही लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइफ इज क्वीन with its twists and turns as every one of us sometimes learns. Life is queer with its twists and turns, I repeat the line, as every one of us sometimes learns. I like, दो लाइन लिखने के बाद देखिए जो लाइन आपको पसंद हो उस लाइन को लिखने के बाद जो आसानी से याद भी हो जाए, हालांकि ये सबसे अच्छी लाइन है और बहुत आसानी से याद होने वाली है। अब क्वेश्चन तो ये है विच लाइन डू यू लाइक, तो हमने लिख ली है ये दो लाइन हमको बहुत अच्छी लगी। अब क्वेश्चन सेकेंड इसी में है वाई, क्यों आपको ये अच्छी लगी? तो आंसर लिखेंगे आई लाइक द अबव लाइंस ऑफ द पोएम, मुझे कविता की ऊपरी लाइन जो लिखी है वो बहुत अच्छी लगी। मोस्ट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द रियलिटीज ऑफ लाइफ, क्योंकि ये जो बेस्ड है आधार है ऑन द रियलिटीज ऑफ लाइफ, यानी जीवन की वास्तविकता पर आधारित है ये लाइन। आवर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, हमारी जीवन है उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, कभी खुशी कभी गम। एंड वी लर्न अ लॉट व्हाइल गोइंग थ्रू दैट, और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जब हम इनसे गुजरते हैं, हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी खुशी कभी गम आते हैं। एट
सब आंसर समझ लिया है। अब बच्चों आप लोग अपने नोटबुक में से ज़रूर नोट करते जाइए और याद भी करते जाइए। जो भी क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइजेज आपको, जो भी लेसन्स आपको कराए जा रहे हैं, हर एक दो दिन में कंप्लीट हो रहा है, जो भी वीडियोस को आप देख देख करके बार बार देखें, समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, मैं और अच्छे सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, हम यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हुए। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम कह देते हैं, सही विकल्प वाले, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो बी एक्सरसाइज है, वर्क विद अ पार्टनर एंड चूज़ द करेक्ट आंसर, एंड चूज़ द करेक्ट आंसर, सही। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रश्न पढ़ना है और सही आंसर पर टिक करना है। तो देखिए, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, ये देखिए, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीज़ें गलत दिखाई देती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड टेक रेस्ट, हमें आराम करना चाहिए। वी शुड क्विट, हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। वी शुडंट क्विट, हमें उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो सिंपल है, देखिए हमें उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। द करेक्ट आंसर विल बी शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोरल ऑफ द पोएम इज, द मोरल ऑफ द पोएम इज, पोएम का उद्देश्य क्या है, संदेश क्या है, क्या हमें शिक्षा मिलती है? वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, हमें जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करना चाहिए। वी शुड एन्जॉय अवर सक्सेस ओनली, हमें सिर्फ अपनी सफलता को एन्जॉय करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। वी शुड रन अवे फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, या फिर हमें अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनसे हमें भाग जाना चाहिए। द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ए नंबर, वी शुड फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। चलिए ये दो करेक्ट ऑप्शंस वाले एक्सरसाइजेस थी, ये सिर्फ आपको इतना ही करना था आज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे इसमें पोएम है, पोएम को पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स करना है। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आप इसको घर पर कर सकते हैं। लेट्स रीड, रीडिंग एबिलिटी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस जो आती हैं आपके एग्ज़ाम्स में, पोएम वगैरह आती हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करने होते हैं, इस तरह से आप अपनी बुक से ये एक्सरसाइज देख करके कर लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए वीडियो काफ़ी है, कल हम मिलते हैं नए लेसन के साथ। आपके सामने ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, देख लीजिए, डोंट क्विट वर्ड मीनिंग्स, ये आपके बुक्स में भी होंगी, आप इसको ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए आज के ही आज, और सारे क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिए, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जब अपनी क्लासेज वगैरह स्टार्ट होंगी आपके लॉकडाउन, तब तक आपकी जो है काफ़ी कोर्स जो है कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो देख लीजिए कुछ वर्ड मीनिंग्स के सामने, धीरे धीरे चलना, अकेल मुश्किल, शाय मीट लेटर एंड लेट आउट अ लॉन्ग डीप वेट, आम भरना जिसको पढ़ सकते हैं, अभी अलिपिन थोड़ा सा, क्विट Give up thinking.